हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है गोदरेज एसेंट एट थाने। इट्स एट कोलचत रोड और इनका जो नया टावर जो लॉन्च होने जा रहा है, टावर नंबर 1 और टावर नंबर 5 पर हम लोग रिफर करेंगे पुराने टावर को जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो उसको रिफर करते हुए टावर और 1 और 5 की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग एलिवेशन की बात करते हैं। ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं, ये 2 टावर का एलिवेशन आप देख रहे हैं। ऐसे टोटल 5 टावर है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर और ये कॉम्प्लेक्स करीबन 6.5 एकड़ टाउनशिप में बन रहा है, जिसका नाम है गोदरेज एसेंट एट कुलक्षेत्र रोड थाने। तो यहाँ पर पहले डेवलपर ने बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3 एंड बिल्डिंग नंबर 4, ये 3 टावर लॉन्च किए थे जो कि 99% सोल्ड आउट है और उसमें कॉन्फ़िगरेशन था 1, 2 एंड 3 BHK। तो उसको रिफर करते हुए हम लोग नए टावर के बारे में बात करेंगे। तो टावर नंबर 1 और 5 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो एलिवेशन तो आप सभी जानते हो दोस्तों, एलिवेशन गोदरेज का बेहतरीन रहता है और इट्स अ ग्राउंड प्लस 42 स्टोरी टावर। इसमें कार पार्किंग जो है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग सेपरेट दिया गया है, जो कि 10 फ्लोर के आसपास पार्किंग बिल्डिंग सेपरेट रहेगी, मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग। और उसके ऊपर कुछ एमिनिटीज दिया गया है और कुछ एमिनिटीज नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है। तो क्लब हाउस का भी एरिया इसमें करीबन 10 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस का एरिया है। तो कुछ एमिनिटीज़ क्लब हाउस के अंदर आएगा, कुछ एमिनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पर आएगा और कुछ एमिनिटीज़ जो है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लब हाउस का इमेज है और इसके एग्जैक्टली पीछे जो आप ग्रीन कलर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, जो इट्स नॉट अ कलर बेसिकली, इट्स अ प्लांटेशन, ग्रास प्लांटेशन है जो नीचे फॉल हो रहा है, तो वो बेसिकली मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है। तो क्लब हाउस के एग्जैक्टली पीछे मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है और प्लस बीच में सेंटर में आप देखेंगे बहुत सारा एमिनिटीज इसमें दिया हुआ है। तो सेंटर में आपको सिटिंग एरियाज मिलता है और काफ़ी लश ग्रीन गार्डन्स है, सिटिंग पर्गोलास दिया गया है, एम्पी थिएटर है विच सराउंडेड बाय लश ग्रीन, कुछ रिटेल प्लाजा दिया गया है जो बिल्डिंग के बाहर की तरफ होगा, रिटेल शॉप्स होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जैसा आप देखोगे जो मेन रोड है वहाँ पर कुछ पोर्शन पर डेवलपर ने रिटेल प्लाजा भी दिया है। स्विमिंग पूल और कुछ एमिनिटीज जो है ये पार्किंग लेवल के ऊपर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी लार्ज साइज स्विमिंग पूल है विद वुडन फ्लोरिंग एंड सिटिंग डेक सराउंडेड बाय इट, और काफ़ी प्लेंटी ऑफ लाइटनिंग्स और फॉग लाइट्स दिया गया है स्विमिंग पूल में। उसके अलावा फुटसोल कोर्ट दिया गया है, आप इसको मल्टीपर्पज कोर्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। स्विमिंग पूल में किड्स पूल एरिया भी दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सिटिंग एरियाज है, सिटिंग पर्गोलाज आप बोल सकते हो। और दूसरा, आप यहाँ पर अगर आपको आपके बच्चे अगर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बैठकर आप ध्यान रख सकते हो। तो दिस सिटिंग पर्गोलाज टाइप बना हुआ है और दिस इज द एक्चुअल मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग जो करीबन 10 से 12 माले की बिल्डिंग होगी और डेफिनेटली ये रैम्प के थ्रू ही चढ़ेगी ये गाड़ी, इसमें कोई लिफ्ट नहीं होगा, इसमें रैंप होगा जो कि ड्राइव करते हुए ऊपर तक जाना है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ जॉगिंग ट्रैक है और प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स दिया गया है, सिटिंग पर्गोलास दिया गया है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे एमिनिटीज इसमें दिए गए हैं, दिस इज वन ऑफ द एमिनिटीज। और जो फ्लोरिंग भी आप जो देख रहे हो, डेट इज सॉफ्ट फ्लोरिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर, जो ग्राउंड फ्लोर पे ब्लू और ग्रीन और फ्लोरिंग आप देख रहे हो, उस पर अगर बच्चे गिरते भी है तो ज़्यादा चोट नहीं लगती उस पर, इट्स अ सॉफ्ट फ्लोरिंग बेसिकली। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एमिनिटीज विच इज प्रोवाइडेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं मास्टर लेआउट प्लान में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एरिया है, यहाँ पर ये बिल्डिंग नंबर 1 है जो कि अभी इसका बुकिंग शुरू करेंगे, और ये बिल्डिंग नंबर 2 है, बिल्डिंग नंबर 3 और बिल्डिंग नंबर 4, ये 3 बिल्डिंग जो है दिस इज 99% सोल्ड आउट, और ये है बिल्डिंग नंबर 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अभी जिसका बुकिंग जो शुरू करेंगे वो 1 और 5 का शुरू करेंगे।
और दिस इज द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट इन थाने। ये तीन बिल्डिंग इन्होंने करीबन 3 से 4 महीने के अंदर सोल्ड आउट हो गई थी ये बिल्डिंग। तो इस प्रोजेक्ट का काफ़ी डिमांड है, आफ्टर ऑल डेवलपर इज गोदरेज, तो प्रोडक्ट जल्दी इनका बिक जाता है। और यहाँ पर आप सेंटर में आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लब हाउस है, करीबन 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस दिया गया है। और ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर कुछ एमिनिटीज दिया गया है इस तरफ। और ये जो बड़ा सा बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग, जिसके ऊपर यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल मिलता है, फुटसोल कोर्ट है, अगेन देयर इज वन मोर कोर्ट कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पज कोर्ट, और यह बैक साइड में भी एक और एक कोट दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 5, इसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 5 से 6 फ्लैट आ सकते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन रहेगा 2 और 3 BHK के फ्लैट्स। तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर द फैमिली टू स्टे। प्रोजेक्ट जो है ये ईयर हिल्स और संजय गांधी नेशनल पार्क के काफ़ी नज़दीक में अवेलेबल है, सराउंडेड बाय 33 लेक्स, 15 गार्डन्स एंड अ ट्रीक। उसके अलावा थाने में आईटी हब्स काफ़ी जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है, सो थाने विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट आईटी हब। एंड आईटी हब यहाँ पर आने से इट गिव्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट इकोनॉमी आफ्टर मुंबई। और कोलशेद रोड पर जितने भी प्रोजेक्ट पहले बने हैं, तो वहाँ पर रेंटल इनकम में काफ़ी फायदा हुआ है, कम से कम हर साल रेंटल इनकम जो है वो 10% से बड़ा है कोलशेद रोड पर थाने में, क्योंकि आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ में डेवलप्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी का प्राइस भी ऊपर जाता है, तो उससे रेंटल इनकम में भी बढ़ोतरी आती है। तो लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये कोलशेद रोड है, यहाँ पर गोदरेज एसेंट लोकेटेड है। तो ये जंक्शन जो है, यहाँ पर जो थाने का जो मेन जंक्शन है, जहाँ पर आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से अगर आते हो तो एक रास्ता जो है वो गोरबंदर रोड की तरफ जाता है, और एक रास्ता जो है वो कोलशेद रोड से अंदर की तरफ जाता है। तो आपको बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से मेरे ख्याल से मेन सिग्नल से हार्डली 2 किलोमीटर अंदर ये प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो काफ़ी प्राइम लोकेशन है ये थाने का, और हर एक फैसिलिटीज, हर एक सुविधा इसके नज़दीक में अवेलेबल है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से आप गोरबंदर रोड से मीरा रोड या बाहिंदर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स के ड्राइव पर, और मेट्रो तो वैसे ही पैरेलल चलेगी गोरबंदर रोड से, जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से आपका हार्डली 6 मिनट का ड्राइव है। और दूसरे लोकेशन जैसे आप भांडूप, विक्रोली, चेंबूर और BKC, यहाँ पर आप इजीली आप पहुँच सकते हो वाया BKC कनेक्टर और वाया सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड। USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो रेनबो प्री स्कूल जो है वो 3 मिनट के डिस्टेंस पर है, CP गोयन का इंटरनेशनल स्कूल 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, DB पब्लिक स्कूल 6 मिनट, सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल 6 मिनट, ऑर्चिड द इंटरनेशनल स्कूल 7 मिनट, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10 मिनट, न्यू होराइजन स्कूल 9 मिनट, सिंगानिया स्कूल 11 मिनट्स, वसंत विहार हाई स्कूल 10 मिनट्स, हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल 12 मिनट और कोडार इंटरनेशनल स्कूल 12 मिनट। तो ये सारा स्कूल्स एंड कॉलेजेस है जो इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक में अवेलेबल है। और हॉस्पिटल वाइज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल हॉस्पिटल 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, क्यूरे हॉस्पिटल्स अगेन 5 मिनट, टाइटन हॉस्पिटल 9 मिनट, जुपिटर हॉस्पिटल 10 मिनट, हीरानंदानी हॉस्पिटल 10 मिनट, बॉम्बे हॉस्पिटल 12 मिनट, फोर्टिस बलून इज 24 मिनट्स। और मॉल्स एंड कन्वीनियंस स्टोर वाइज अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, हाई स्ट्रीट मॉल 7 मिनट्स, लेक सिटी मॉल 7 मिनट्स, हाइको 7 मिनट्स, विवानिया मॉल 9 मिनट्स, फोरम मॉल 10 मिनट्स, द वॉक 13 मिनट्स एंड बिग शॉपिंग सेंटर एंड हाइपर सिटी इज 12 मिनट्स। तो इकोसिस्टम जो है इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी वेल कनेक्टेड है, और 32 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो लाइन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, जो कि केसर वड़ावली से वड़ाला तक ये चलेगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेट्रो से कोई भी लोकेशन पे अगर आपको जाना है,
भले वो वेस्टर्न साइड हो या सेंट्रल साइड हो, तो आप वाया मेट्रो इजीली जा सकते हैं। पर मेट्रो का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगले एक साल में शुरू हो जाएगी। दूसरा, एक मेट्रो लाइन यहाँ से चलेगी जो कि बालकूम नाका से भिवंडी तक चलेगी और भिवंडी से कल्याण तक जाएगी। तो अगेन थाना से आप अगर अदर साइड भिवंडी साइड और कल्याण साइड अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इस लोकेशन से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बोरीवली थाने संजय गांधी नेशनल पार्क टनल, ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जब ये शुरू हो जाता है तो आप थाने से विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स ड्राइव के अंदर आप पहुंच जाओगे। क्लब हाउस को बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बच्चे और बड़े दोनों उसमें इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस फैसिलिटीज भी मिलता है, स्पोर्टिंग एमिनिटीज भी मिलता है और एट द सेम टाइम कन्वीनियंस रिटेल स्टोर भी दिया गया है जो कि बिल्डिंग के बाहर की तरफ होगा। अदर एमिनिटीज में आपको यहाँ पर 22 यार्ड क्रिकेट पिच होगा, स्किल डेवलपमेंट नॉलेज एंड हॉबी सेंटर दिया गया है, स्केटिंग रिंक है, सैंड पिट है, चेस कोर्ट है और जॉगिंग ट्रैक है। तो इट्स अ लार्ज साइज पूल एंड प्लस सन डेक दिया गया है। और दूसरे एमिनिटीज में आपको मिलता है 2 बैडमिंटन कोर्ट, जिमनेजियम, स्क्वैश कोर्ट, बिजनेस सेंटर एंड क्रीचिंग। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है जो कि पार्किंग लेवल बिल्डिंग के ऊपर होगा। अगेन बास्केटबॉल कोर्ट होगा, टेनिस कोर्ट, आउटडोर जिम, किड्स पूल, फुटसोल कोर्ट, मल्टी प्ले कोर्ट एंड योगा डेक। रिटेल स्टोर बिल्कुल आपके बिल्डिंग के बाहर ही है और गोदरेज के जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सारे ग्रीन सर्टिफाइड होते हैं। यहाँ पर भी आप एमिनिटीज़ में जहाँ पर गार्डन्स है, आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्रीज आपको देखने मिलेंगे। तो यूनिट प्लान में दोस्तों सबसे पहला हम लोग समझते हैं इस मास्टर लेआउट को। ये जो मास्टर लेआउट आप देख रहे हैं प्लॉट का, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 1 है और यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 5 है जिसका लॉन्च अगले महीने 15 फरवरी तक कर देंगे। पर इस पे अगर फ्लैट अगर आपको चाहिए तो आप 1 लाख रुपया देकर आप फ्लैट को फ्रीज कर सकते हो। तो लॉन्च से जो पहले वाला बेनिफिट आपको अगर इसमें लेना है तो आप 1 लाख का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आप पे कर सकते हो। और ये जो बिल्डिंग है बी है, ये सी है और डी है जो कि 99% सोल्ड आउट है। तो यूनिट प्लान में अगर आप देखेंगे ये जो प्लान है ये बी विंग का प्लान है जो कि 3 BHK का प्लान है। तो ये सिर्फ रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 3 BHK मान लो 918 अगर कारपेट आता है मान लो, तो उसका प्राइस 190 से लेकर 2 CR तक वो इसका कॉस्ट होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और ये 2 BHK का फ्लोर प्लान है जो कि 3 नंबर बिल्डिंग का है। 2 BHK 22 में आपको अगर बताऊँ तो मोटा मोटा 700 से लेकर 750 तक का कारपेट एरिया होगा जो कि प्राइस विल अगेन वेरी फ्रॉम 150 to 155 जो भी प्राइस खोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो फाइनली दोस्तों पोजीशन इस 2 बिल्डिंग का होगा आज से 3 साल बाद। तो जब लॉन्च करेंगे 15 फरवरी को तो वहां से आपको मैक्सिमम 3 इयर्स पकड़ना है। इस क्लिप के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वॉक थ्रू दिखाऊंगा, वो वॉक थ्रू भी आप देख लीजिए कॉम्प्लेक्स का, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या एमिनिटीज दे रहे हैं अंदर और भी क्या कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों गोदरेज डेवलपर्स के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। ऑल ओवर मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, जहाँ पर भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है आप बुकिंग के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।